बैठो और हम शेरनी का इंतजार करते हैं। ठीक है, शेरनी आएगी तो आज उससे कुछ मैं बात करूंगा। ठीक है, और इंतजार करते हैं। चलो सरदार जी के पास। अरे सरदार जी, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की शेरनी, जय माँ भवानी की शेरनी। कहिए। आज तुझसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ। क्या कहना चाहते हैं? देखो, चार दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार हाँ। दिशाएं होती हैं, और हम अपने ग्रह में इस समय चार आदमी हैं। हमें चारों आदमी को चारों दिशाओं में फैल जाना है। देखो, तुम्हें दक्षिण दिशा जाना है और मैं उत्तर दिशा जाऊंगा, और पूरा दिशा सरदार जी जाएंगे। अच्छा। पश्चिम दिशा जो हमारे नए सरदार गिरोह के बने हैं वो जाएंगे, और जो भी दिन भर में खबर हो शाम के आकर गुफा में मुझे बताना है। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। हाँ। चवाल। ठीक है, चाओ। शेरनी, अपना ध्यान रखना, जंगल बहुत घनघोर है, और हम चलते हैं, फिर हम तुमसे मिलेंगे। ठीक है। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी की। चलती हूँ जंगल की तरफ, और हाँ, अगर मेरे राजू को कुछ हो गया तो माँ कसम मैं उनके भैया भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चल उनकी जिंदगी मार दूंगी जान से। चलती हूँ। और सुना है
बसो दीदी बहन अच्छी लगती हो कि नहीं? बहुत नीक लगती हो। ये कौन है भाड़ुआ बोले लग? ये समझ ले मोरे खूबसूरत सीता माई फेल ही कहे वाली बात दूसरी मोरे में कमी का ही जानत हो? का कमी है भाऊजी? मानो हिसाब से नहीं मोहे में पेशाब करो। हाँ दही जे आ रहे तो भाऊजी बना ली। मोरे में कमी यह है जौन मोरे मोछवा दुठनी करिया कथम से कहा तो भैया मैं धोती कहे पहने तुम्हें पता नहीं ना? कहे का पहने हो? आज महुलिया में मेला लगा है। मेला? बहुत बड़ा मेला लगा है भैया। हुआ मेहरारन का मेला मानसवन का जाम माना है। यह कहे ऐसे मारे पुलिस के चापी पड़ी है। अरे पुलिस चापे न होई पुलिस होई हुआन हो। हाँ हाँ पुलिस है और समझ लो मानसवन का घुसे नहीं दे जब तक बीच मेला में न जाए धक्का मुक्की न हो। कौन मतलब का मेला? अच्छा हाँ मैं ऐसे धोती पहने हूँ और कसम से आज मेला में जाइय बढ़िया एक पत्ता झाट बनवाई हूँ खाई हूँ। अरे झाट ना हो? अरे वह चाट हो। हाँ जाऊ ने तब हाड़ी तब टिकिया टमाटर था के कुकुर का गुह हसकू धिल दे थे। आओ का खाई हो भाऊजी? और मैं हुआ खाई हो गोल बाप्पा। अरे गोल बाप्पा ना हो गोल गप्पा हो। हाँ वही का खाई हो अब खा के फिर बढ़िया जाइयो मेला घूमियो कौनों का पटाइयो हजार हजार कमाइयो। अच्छा हाँ जाए जाए हो सकत है ये जौन नौटंकी के मालिक है मानसुख शुक्ला। अच्छा कसम से बहुल्ला जवाब है वह इनका पटाऊ हजार दू हजार ले निकलो ही से। नहीं तो शुक्ला जी हनका पटा ले हो। शुक्ला जी हनका बर्दाश्त न कर पाई हो ऐसे शुक्ला जी कसम से बहुत हरामी है। अरे बहुत नीक हमें हो। चला जा देखो देर बहुत होती मेला। मैं तुम्हें कहां का नहीं ढूंढा मैं तुम्हारे बिन अरे सौ साल पहले अरे हमें तुमसे प्यार था जिया बेकरार था आज भी है
महिला का ते कौनो पागल से भेटा गयो कसो का होई गयो हो? का होई गयो ये धोती महंगी पर कर रही है बहन ये धोती सर मोरे इज्जत में धब्बा लगा को कसो भैया ये कहां फरुआ आया हो तुम अरे तो पागल से भेटा गयो अरे यार पागल बेटा तुम अरे जैसन मेला पहुंचे वाला रहो हाँ दौड़ के अवतार लेके पर रहा हूँ चला ये सर कौन फारसी बोलत है ए ए ए अंचल पाचार अबे ये करियावा थका बे एक खाइए हो मैं भाई कहते एक खाइए ए एक ये का है पेल के मारूंगा सारी पेल के न मारे में खा ले हम भला लाभ का मिला है काहे में फार के खाइन लो नशा मऊ का पाई कल का ही डावे बस यार गुटका खा ले है अबे ये बिछावत का एक बरा है ये सा कोनो की लाही आका का कुटवा सा है अबे जी छुटा काऊ में उतान चल निकल ले जाए अब हम तो ए खा ले है हाँ खा ली हूँ ए अब चलता मैं प्यार करा दे ए ले कहा तो चलता है मैं प्यार करी सर देख ले बैलांडी के अबे प्यार लड़की लड़का में हो तो बैलांडी लड़की लड़का में हाँ ए मैं लड़की हाँ तू लड़का तट सचु जान तोरे हुआ है मारो है ए न मानी जाई ए न मानी जाई बे कहे ते लड़की मैं लड़का हट इतने का दिमाग का सर कत्ते लड़की में लड़का ए हाँ एक बार ना करिए मैं ना करी हूँ मो गुट का दे मो गुट का दे राजा राजा कस्बे अच्छा पता सारे तम्बे तो साले रे पेड़ा हाँ समझ के ली ली ने दाई दे सारे जान बचे ले 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 ए हाँ मोर या गुट का ना हो सन किनारा ही जाऊँ खाए हर तारे हुआ है जाऊँ मोर खाए हर अब बताए कम मोह से निकाल के बनाऊँ ए दे मो गुट का नहीं प्यार कर मैं ना ए, अरे हम कोई लड़िया ना जापे हो चुली पुलिया की माई
अरे तो तारे तो ही कहीं है कि पापी मिली है का मुझे डरते हैं। अरे डम डम डिगा डिगा अरे मौसम भीगा भीगा अरे बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आँख सुहाना हाय अल्लाह जासूस है, ये पागल कोई नहीं है। जासूस है। तुम गोली का निशाना लगाओ और मैं नंबर बोलता हूँ। ऐसे में ये अपना नाम और पता नहीं बताएगा। ठीक है, तुम नंबर बोलो। नंबर एक, नंबर दो और नंबर गई। तुम यहां कैसे? इसके मरने से तुमने क्यों बचा लिया? बोल सरनी। सरदार जी, इस पागल को क्यों मार रहे हो? ये पागल नहीं सरनी, ये कोई पुलिस का जासूस है। क्या? ये कोई पुलिस का जासूस है। पुलिस का? हाँ, ताकि हम डाकुओं को गिरफ्तार करवा कर अपना इनाम और सूरत हासिल करना चाहता है। ठीक है सरदार जी, मैं इससे पूछती हूँ। ठीक है। ए, चल सामने आ। क्या तू पुलिस का आदमी है? कौन है तू? बोल। अरे बोलेगा वरना गोली मार दूंगी। कौन है? ए, ए, ये, ये पुलिस का आदमी है ना। ऐसे नहीं हो सकता। ये तो अपना राजू लगता है, लेकिन लेकिन ये पागल के रूप में नहीं। मेरा राजू पागल नहीं हो सकता है। श्यामा, क्या इतने दिनों तक तेरे प्रति रक्त चली आई यही दिन देखने के लिए? आज कई दिनों के बाद मिले तो एक पागल के रूप में नहीं। माँ, मेरे राजू को ठीक कर दे। माँ,
यही तेरा राजू है शेरनी, यही तेरा राजू है। हाँ सरदार जी। अगर इस रूप में है तो माँ भवानी से विनती कर, हो सकता है माँ भवानी तेरी सुन ले। और बिगड़ी मेरी बना दे मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे ना वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। राजू को होश नहीं आया सरदार जी। शेरनी, अगर तेरा प्यार सच्चा है तो इसके पहले तूने इसके साथ कई पल कई लम्हों कोई प्यार जताया होगा। अगर उस पर प्यार को इसे याद दिला, हो सकता है कि इसे याद आ जाए। हाँ, मैं सच कहता हूं राजू। राजू सिर्फ एक बार, एक बार तो होश कराओ राजू। राजू तेरे मेरे प्यार की बना रखी हो वो तो बोलो, आखिर सब कैसे हुआ? रेखा, जब तुमसे मिलकर के अपने घर गए तो हमें मालूम हुआ
कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। क्या? अरे वो कोई गैर नहीं रेखा बल्कि हमारे भैया हमारी भाभी हमारे पिताजी को बेरहमी से मारा गया और मार करके जेल में बंद कर दिया। क्या? मैं किसी तरह से अपने पिताजी को जेल से निकाला और कहा कि चलो पिताजी आज मैं भैया और भाभी से बात करूंगा, लेकिन मेरे पिताजी वहां जाने से इनकार कर दिए। कह नहीं बेटा वहां मुझे मत ले चलने वरना तेरे भैया और तेरी भाभी मुझे देखते जान से मार देंगे। क्या? मैंने अपने पिताजी को अपने साथ नहीं ले गया बल्कि उन्हें मैं जेल से निकाल दिया। अरे मैं तो कह रहे थे कि पिताजी यहाँ से चले जाओ लेकिन मेरे पिताजी नहीं जा रहे थे। मैंने कसम धरा करके अपने पिताजी को वहां से निकाल दिया। ना जाने मेरे पिताजी ये दुनिया देश में कहाँ हो रेखा। और जैसे मैं सोचा कि जाऊंगा भैया से बात करूंगा, जब वहां गया तो मेरे भैया शिकार कर ले गए थे। घर पे सिर्फ भाभी थी। मैंने भाभी से पूछा, मेरी भाभी ने मुझसे यही कहा कि तुम्हारे भैया जंगल गए हैं शिकार कर ले। फिर क्या हुआ? मैं कहा भाभी जिस वक्त भैया आ जाए तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना कह के जैसे चलने की कोशिश किया मेरी भाभी मेरे हाथों को पकड़ ली। क्या? और मुझसे कहने लगी कि जब आते हो हमेशा भाभी भाभी कहते रहते हो, आज एक बार मुझे डार्लिंग कहो, करेजा कहो, मुझे जान कहो। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी बातें हमारी भाभी हमसे करने लगी रेखा। मैंने समझाया लेकिन मेरी एक बात नहीं समझी मेरी भाभी। मैं गुस्से में आकर के अपने भाभी के दो चार हंटर मार दिया और वहां से चला गया। मुझसे पहले मेरी भाभी पहुंच के भैया के पास वहां झूठ बोल गई कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत को लूट लिया। क्या बदल? मेरे भैया ये सब सुन करके उन्हें सदमे को बर्दाश्त नहीं किया, मुझे बहुत मारा और मारने के बाद हमारे दरबार का एक सिपाही है उसके हाथ दे दिया गया और उससे कहा गया कि इसे जल्लाद को दे दो, इसका आंख और कलेजा निकाल के हमारे रोशनी के पास लाए। इतना तक मुझे होश है, इसके बाद में मुझे कुछ नहीं होश है। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया, मैं तुम्हारे भैया भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उनकी जिंदगी मार दूंगी जान से। जो ये तेरा राजू आज अपने परिवार की स्टोरी बता रहा है, जो हमारे नए सरदार बने गिरोह के, एक दिन यही स्टोरी उन्होंने मुझे बुला बताया था। मैं उन्हें बुलाता हूँ और उससे कुछ बातें कराता हूँ। सरदार जी बात है। सर नहीं, क्या हुआ उस पागल को? सरदार जी वो पागल नहीं, वो मेरा प्यार है जिसके लिए दर बदर की ठोकरें खाती फिरती ढूंढती रही। वो मेरा प्यार है, मेरा राजू है। आज आज मेरे राजू को होश आ गया सरदार जी। क्या तेरे राजू को होश आ गया? हाँ। वो तेरा सच्चा प्यार है? हाँ सरदार जी। क्या हम तुम्हारे राजू से मिल सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर बुलाओ अपने राजू। राजू लो हमारे सरदार जी से थोड़ा बातें करो। तुम्हारा नाम राजू है? हाँ सरदार जी। क्या तुम्हें सचमुच में होश आ गया? हमें होश आ गया सरदार जी, हमें सब कुछ होश आ गया। ये बताइए राजू, अगर तुम्हारा नाम राजू है तो सत्य आज बताना होगा कि तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य थे या तुम अपने परिवार में अकेले थे? सरदार जी हम आपके हाथ जोड़ते हैं सरदार जी, बल्कि आपके पैर पड़ते हैं। अरे जो पूछना है मेरे विषय में पूछिए, मेरी परिवार के विषय में नहीं। मैं आपका हाथ नहीं राजू, अगर तुम्हें सचमुच में होश आ गया है तो अपनी सारी हकीकत आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अगर आप जानना ही चाहते तो जैसे हमें देख रहे हैं, हम कोई भिखारी नहीं है सरदार जी, हम तो एक राजा के बेटे हैं। हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है और हमारा नाम राजू है। एक मेरे भैया थे जिनका नाम राजेश था सरदार जी। मेरी माँ थी, मेरे भैया की शादी हो गई थी लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि हमारे परिवार को उसने बर्बाद करके। मुन्ना
राजू है और तू महाराज विज्ञान सिंह का बेटा है। हाँ सरदार जी, अरे मुल्ला यही मेरी कहानी है, मैं आपसे एक भी झूठ नहीं बोला। अरे मुल्ला देख रे मुल्ला, हम कोई सरदार नहीं रहे, घर से देख मेरे बेटे राजू हाथ हाथ रे सामने। हाँ मुल्ला पिताजी, हाँ मुल्ला पिताजी, मुल्ला मैंने तुझे कितनी बार कहा तेरे कि तू मेरे साथ चल, लेकिन तूने हमारी एक भी बात नहीं मानी और आज आज उसका अंजाम क्या हुआ मुन्ना? हाँ पिताजी, अगर आपकी बात शायद हम माने होते तो आज इस हाल में हम नहीं होते, लेकिन हम बहुत बर्दाश्त किया है पिताजी, बहुत बर्दाश्त किया है। अब उस हराम जादी को हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसे जान से मार देंगे पिताजी, हम उसे जान से मार देंगे। हमारे बेटे को गुफा लेके आना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुद्दतों के बाद हमारा राजू मिला है और आज हम सब लोग मिल करके अपने राज की चढ़ाई करेंगे। हमारे जैसे आपके आगे सरकार जी राजू चल रेखा मेरे साथ, जिसने हमें एक एक पल के लिए मिलने के लिए तड़पाया है, आज मैं उस हराम जादे के पास तुम्हें ले चलता हूँ। अरे वो कोई गैर नहीं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे दरबार का नौकर है, नौकर जिसका नाम मंत्री दुर्जन सिंह है। क्या? हाँ रेखा, वही हरामजादा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ। देखिए राजू, वो दुर्जन सिंह तो मेरा भाई है। क्या? मैं उसकी बहन हूँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ राजू। लेकिन रेखा आज तक तुमने कभी हमसे नहीं बताया थी कि मैं दुर्जन सिंह की बहन हूँ। अरे वो हरामजादा मेरा दुश्मन है और तुम मेरी दुश्मन की बहन हो। अगर मुझे मालूम होता तो हमने कभी तुमसे दिल नहीं लगाते रेखा। किसी बात की करती हो? आज के बाद भूल जाना हमने तुमसे कोई प्यार नहीं किया। अरे जो भी किया है रेखा है वो हम सब अनजान में किया है। किसी बात की? मैं उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। हाथ तुम्हारी नजरों से दूर हो जाऊं, तुम्हें भूल जाऊं? नहीं राजू नहीं, बगैर तुम्हारी मैं नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी। अगर तुम मेरे भी नहीं जी सकती हो तो तुम्हें आज फैसला करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मुझे चाहती हो या अपने भैया को चाहती हो? मैं अपना प्यार चाहती हूँ, तुम्हें मैं चाहती हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। हाँ अगर ये बात है तो चल मेरे साथ, अपने हाथों से तुझे अपने भाई को सजा देना है। अगर तूने मुझे मेरा साथ दे दिया तो दुनिया की कोई ताकत अब तेरे भाई को नहीं बचा पाएगी। चल रेखा चल मेरे साथ। चलो मैं अपने हाथों से अपने भाई को सजा दूंगी। चल चलो चलो। भैया तमाशा याद किए हो, कातिल दुल्हन मंत्री की चाल और फटाकू विज्ञान से आप चाल मंत्री एक पलाई हो। इधर आओ, जाओ उस राजकुमार को पकड़ के लाओ, उसकी फांसी होगी। जल्दी लाओ। हाँ। और तुम लोग अभी तक बैठे हो, तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं है? कह दिया 7 बजने के पहले निकल लो, जाओ भागो। ए बाबा जाओ, तो चार ठेटात बचे ना उनमें घुस जा। हाँ फांसे में रहे। और पी के शंकर जी की पूर्ति आ राशि
टूटी अखियां खुल गई निंदिया टूटी पीके शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई निंदिया टूटी लाओ कुर्सी लाओ और इसे खड़ा करो और इसके गर्दन पे रस्सी डालो और तुम दोनों रस्सी खींचोगे मैं नंबर बोलूंगा। हम आए देखने वालों इसे मार दूं तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा। आए बजाओ ताली हंसो तनी से बजाओ आए ताली बजा दे बधाई जा रहा हाया गाड़े तुम राजेश जा गंगा। आज के बाद तेरी परिवार का किस्सा मैं यहीं से समाप्त करता हूँ और यहाँ का महाराज आज के बाद ये दुर्जन सिंह बनेगा। अरे आखिरी वक्त है आखिरी सांस है आखिरी वक्त है जाती है वो जान रहा ने कितना खिसी आया हुआ है या दहेजा ठाड़ा ला तुम्हारा जैसे के दूध हादी वह ले आता हूं महामंत्री मुझे मारते मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। अरे तो हम देखावा नहीं चाहता है रे चल रस्सी खींच मेरी जान और मैं नंबर बोलता हूं नंबर और दो I can't do it!
मलिका